हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एज ऑफ नो एमबीबीएससी मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू ले रही है, जिसमें पैथोलॉजी का है, टीबीएनटी स्पेशलिस्ट का है, पीडियाट्रिक्स का, ये सारे इंटरव्यू होने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वहां के स्पेशलिस्ट होते हैं, दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर स्पेशलाइजेशन। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है आपके फील्ड के, वो थोड़ी सी आप देख के जाएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, रिसेंट एडवांसेस हैं, वहां से क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो प्रयास करना है कि जो आपके फील्ड के रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसको आपको देख के जाना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और भी ध्यान रखना है। जैसे कि यदि आप बात करें आपके बोर्ड मेंबर में, आपके पैनल में यदि 3 मेंबर होते हैं, उन 3 में से 2 स्पेशलिस्ट हैं, तो उनमें से एक जो है, जो कि आपके पैनल के चेयरमैन होंगे, वो एमबीबीएससी बोर्ड मेंबर होंगे। He will not ask question from the specialization. वो क्वेश्चन आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो बड़ी पॉपुलर है वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को प्रयास करना है कि हमें इन चीजों को भी देख के जाना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम्स हैं, या इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट इस समय रिपोर्ट्स आई हैं वहां से भी आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को दिखा होगा कि मैटरनल मोर्टलिटी रेट की रिपोर्ट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आया है। तो आपको ऐसी चीजों को भी देख के जाना है। MMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, इन चीजों को आपको देख के जाना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन क्लियर बन जाते हैं। यदि हम बात करें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि इन चीजों को हमें लगता है कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं और उसका रिप्लाई हम प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते। तो कई बार जब हम सीधा इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर वी आर नॉट हैविंग यू नो स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्ड्स, हमारा जो वर्ड्स है वो प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से नहीं निकल पाते। तो हमें प्रयास करना है कि थोड़ी इसमें भी प्रैक्टिस करके जाना है। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, उनको भी थोड़ी तैयार करके जाना है। यदि आप उसको 2-3 बार बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो बड़े आराम से वहां पर जाके बोल पाएंगे, है ना। तो ये कौन कौन सी चीजें, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे देश में एज ऑफ नो हेल्थ कंडीशन क्या है, तो हेल्थ कंडीशन में आप कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे IMR का डाटा क्या है, MMR का डाटा क्या है, और बहुत सारी चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारी हेल्थ कंडीशंस हैं, हमारे देश में डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या है, हमारे देश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं, इस चीजों को भी आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि हमारे देश में हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने के लिए कौन से 2 उपाय या 3 उपाय किया सकते हैं, व्हाट आर 3 मेजर स्टेप्स वी कैन टेक टू बेटर आवर हेल्थ कंडीशन, तो यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसका रिप्लाई आपको सोच के जाना है, और वो रिप्लाई ऐसा होना चाहिए जो बहुत उससे फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड्स नजर नहीं आना चाहिए, जो आपकी फीलिंग से वो फ्रस्ट्रेटिंग नजर नहीं आनी चाहिए, वो दिखना चाहिए कि आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, बिकॉज ऑप्टिमिस्टिक इंसान जो है वो थोड़ी सी प्लेजेंट पर्सनैलिटी होता है। तो आपको थोड़ा प्लेजेंट पर्सनैलिटी लेके जाना है। तो यहां पे आपको कैसे रिप्लाई करना है, इससे आप कुछ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि हर किसी का रिप्लाई अपना अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजों की बात करें, जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशियो हम बेहतर कर सकते हैं। एज ऑफ नो हमारे देश में डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। यदि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफी अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे देश में एक और बड़ा कंसर्न है डॉक्टर्स की सिक्योरिटीज के बारे में। कई बार क्या होता है कि यदि हम सिटी एरिया की बात करें तो वहां पर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी तो ठीक होती है, मतलब वहां पे एटलीस्ट अवेलेबिलिटी होती है सिक्योरिटी की, हालांकि वायलेंस की घटनाएं वहां भी होती हैं। लेकिन हम बात करें रिमोट एरियाज की, बात करें ब्लॉक लेवल की बात करें, तो वहां पर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। आपने अक्सर देखा होगा कई बार क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं और कई बार इन केस उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काफी वायलेंट हो जाते हैं डॉक्टर्स के प्रति। अब देखिए वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती, तो उस कंडीशन में बहुत चैलेंजिंग कंडीशन होता है एक डॉक्टर को काम करना, है ना। तो यहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, दैट्स आल्सो मेजर कंसर्न, इसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो है अट्रैक्ट होंगे फिर ब्लॉक लेवल पे काम करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, कई बार हमने देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए स्पेशली रिमोट एरियाज में, ब्लॉक लेवल में जो हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो कई बार हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, तो वहां पर थोड़ी फोकस करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट को आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में एक और डिस्कस कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है, बिकॉज कई सारी स्कीम ऐसी होती है जो काफी अच्छी स्कीम होती है, लेकिन उनके बारे में कई बार लोगों को प्रॉपर जागरूकता नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती थी, उसको अवेयर किया जाए तो वो भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, हमारे हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास करता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, आयुष्मान भारत योजना, दैट इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है एक फैमिली को एक साल में, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। यदि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए तो कई बार ये होता है कि हमारे देश की जो हेल्थ कंडीशन है, कई लोग एफोर्ड नहीं कर सकते अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, कई बार कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो वहां पर देखा जाए तो ऐसी स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट काम कर सकती है।
तो हमें अवेयर करने का भी काम करना है। तो ऐसे तीन चार पॉइंट्स लेकर हमें डिस्कस करना है यदि आपसे पूछा जाए कि हेल्थ कंडीशन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पहले से बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप बोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां पर जो आप बोलते हैं तो उसमें काफी स्मूथनेस होती है। यदि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होता है तो वहां पे स्मूथनेस नहीं होती। तो ये चीजें थोड़ी से हमें पहले से प्रयास करना है कि बोल के प्रैक्टिस कर लेना है। हो सके तो आप लिख के प्रैक्टिस कर लें, हालांकि लिखने का इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी बोल के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सामने किसी को आप बैठा लें, उसके सामने बोल के प्रैक्टिस कर लें, बट यू हैव टू डू दैट। एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई बार हम लोगों से काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो हम अपने बचपन से अप्लाई करते आए हैं। देखिए, दैट्स ट्रू दैट यू हैव रिप्लाइड इट सेवरल टाइम्स, बट बीते कुछ सालों में या कुछ महीनों में यदि आपने रिप्लाई नहीं किया है तो वो उतना फ्लो स्मूथ तरीके से नहीं निकलता। तो प्रयास करना है इसको भी थोड़ा सा चार छह बार बोलने की प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर काफी स्मूथ तरीके से हो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस तरह से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में, वो चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करते, है ना। तो वो चीजें कुछ चीजें मिस जाती हैं। थोड़ी बोलने के पहले प्रैक्टिस यदि पहले से कर लेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें प्रयास करना है कि अपने इंटरव्यूज के दौरान पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स की यदि बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे प्रॉपर वीडियोस बनाए हुए हैं हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स। ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको नीचे तक, तो वहां पे मिलेगा हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स। करीब 5-6 वो डले हुए हैं, आप उसको देखिएगा। तो वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स उसको कवर किया गया है, जो इंडिकेटर्स हैं IMR AMR ऐसे इंडिकेटर्स कवर किया गया है, हमारे देश की बजट कंडीशन क्या है उसमें वो चीजें कवर की गई है। तो उसको आप यदि देख के जाएंगे तो आई एम श्योर दैट विल गिव यू एडेड एडवांटेज ऑन दैट थिंग। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसका नाम है लर्न सर्विसेज मेडिकल स्पेशलिस्ट, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वहां भी आप पूछ सकते हैं आकर। तो डिस्कशन को फिलहाल इस वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को आपके इंटरव्यूज के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू योर इंटरव्यू। और इसके अलावा एक ऑप्टिमिज्म बनाए रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है वो है प्लेजेंट पर्सनालिटी। जब आप वहां पे बैठे हैं तो अपने अंदर एक बेहतर पर्सनालिटी लेके जाएं, ऑप्टिमिज्म लेके जाएं, तो आई एम श्योर यू विल फेच बेटर मार्क्स ओवर देयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।